बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था। इस सर्कस में बहुत से जानवर कई प्रकार के करतब किया करते थे। वहीं यहाँ पर एक हाथियों का झुंड भी हुआ करता था, जो कि कई सारे करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे। एक बार उस सर्कस में 5 हाथियों ने सर्कस के करतब किए। वही करतब के खत्म हो जाने के बाद उन्हें कमजोर रस्सी से बांधकर रखा जाता था, जिससे वे आसानी से बच सकते थे, लेकिन वो कभी भी नहीं गए। एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ति ने रिंगमास्टर से पूछा, इन हाथियों ने रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं लिया? इस सवाल पर रिंगमास्टर ने उत्तर दिया कि जब वे छोटे थे तब इन हाथियों को पतले पतले रस्सी से बंधा जाता था, लेकिन वो छोटे होने के कारण से जितनी कोशिश करने पर भी उस रस्सी से छूट नहीं पाए थे। धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई और उन्होंने मन में ये मान लिया कि वो इन रस्सियों को छुड़ाकर नहीं भाग सकते हैं। वहीं हाथियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे रस्सियों को तोड़ने और भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें वही समान रस्सी से भी आसानी से बांध दिया जाता है। उन लोगों की इसी विश्वास की वजह से उन्होंने अब रस्सियों को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन देखा जाए तो वो एक ही पल में इन सभी रस्सियों को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समाज की मर्यादाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। वहीं हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।